खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा से, जहां आपसी विवाद के चलते युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। घुसाए मृतक के परिजनों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी है। हत्या की इस जघन्य वारदात के बाद आलाधिकारियों समेत पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसपी ने घटनास्थल का मुआयना कर गांव के लोगों से अलग अलग बात कर घटना की हकीकत जानने की कोशिश की है। दरअसल मामला अजनर थाना क्षेत्र के पूर्वा पनवाड़ी गांव का है, जहां बीते रविवार को किसी मामले को लेकर विवाद इतना गहरा गया कि गांव के ही युवक ने दूसरे युवक पर कुल्हाड़ी से उसको मौत के घाट उतार दिया। युवक को तत्काल जिला चिकित्सालय महोबा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने आरोपी के घर में आग लगा दी, जिससे आरोपियों के गृहस्थी का भी सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए महोबा से कौशलेंद्र राठौर की रिपोर्ट। हमारे भाई को पालने वाले चार लोगों ने मिलकर कुल्हाड़ी मारी। कब की घटना है ये? आज 11 बजे सुबह। किन्होंने कुल्हाड़ी मारी है? पाल है, मान सिंह है, नरेंद्र है, कालीचरण है। ये घटना कहाँ की घटित है? ये है ढीमर मोहल्ला, बाबू ढीमर के दुकान के पास। कौन से गांव की? पूर्वा पनवाड़ी थाना अजनर में, पूर्वा पनवाड़ी गांव में आज लगभग 11 से 12 बजे के बीच में घटना हुई है, जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के मामले में तहरीर प्राप्त हो गई है, इसमें लगभग 8 लोगों को नामजद किया गया है और इसमें मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर और विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। मैम अभी तक अभी गिरफ्तार नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर प्राप्त करने के बाद अगला कार्रवाई हमारी गिरफ्तारी की होगी और गिरफ्तारी के बाद शेष कार्रवाइयाँ की जाएंगी।